हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। आज जो है वो संडे है, संडे है। बच्चे सोच रहे होंगे आज तो संडे है भाई, फंडे है, आराम से पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। हाँ, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हमने कहा चलो तो कुछ पढ़ा देते हैं। सुबह भी एक क्लास हुई थी अन अकेडमी के ऐप पर, बहुत ही अमेजिंग क्लास थी। 100 से ज्यादा बच्चे लाइव थे और मतलब मजा आ गया था उस क्लास में। तो अगर अभी तक आपने अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो भाई लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। यह है नॉलेज 365, अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी, जिसमें आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर, स्टैटिक, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियाज नेबरिंग कंट्री, इंपॉर्टेंट स्कीम, डेट, इकोनॉमिक्स, साइंस भी रहेगा इसमें, पॉलिटी भी रहेगा, मतलब कंप्लीट जो जीएस का डोज है वो आपको मिलेगा इस चैनल पर। इसके साथ साथ में अगर आप मुझसे जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो करें। इस वीडियो के लिंक में नीचे मेरा प्रोफाइल दे रखा है, वहां पे जा पे क्लिक करेंगे तो आप मुझे फॉलो कर पाएंगे। क्लियर है सभी को? एक बार सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जरा मुझे एक बार लिख दो कि आपको मेरी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग दोस्तों, आवाज आ रही ना मेरी पे? मीनाक्षी गुड इवनिंग, मीनाक्षी कैसी हो? बढ़िया है, गुड इवनिंग। तो आगे चलूं मैं? चलो, तो ये नॉलेज 365 जिसपे आपको करंट अफेयर, मैथ्स, डिफेंस एग्जाम सब कुछ मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो अपने बारे में बता देता हूँ, मैंने बीटेक किया है एचबीटीआई कानपुर से केमिकल में, एसएससी सीजे 17-18 का टायर 3 दिया है, वेट कर रहा हूँ टायर 4 का, मेरे अच्छे मार्क्स है, कोई पोस्ट मिल भी जाएगी बट अभी बहुत लंबा वेट करना है। यूपीपीसीएस स्लोवर का इंटरव्यू दिया है, आईबी का इंटरव्यू दिया है, रेलवे एनटीपीसी का साइको दिया है और एसएससी 2019 में लिस्ट 1 मेरा नाम है। 6 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको लाइव वीडियो क्लासेस मिलेंगी। जैसे कि आज मेरी क्लास हुई है, उस क्लास में होता क्या कि पोल होता है और उस पोल पे आपकी तुरंत के तुरंत रैंकिंग पता चलती रहती है। गुड इवनिंग मयंक, आशुतोष, मीनाक्षी, अतुल, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस है। मतलब अगर आपने कोर्स लिया है तो जीएस का मतलब ये नहीं सिर्फ जीएस पढ़ सकते हैं, आपके पास सारे टीचर मिल जाते हैं, सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स होता है वो गोल के हिसाब से होता है। अगर आपने एसएससी गोल किया है तो फिर एसएससी में जो कुछ बचता है सब आपको मिलेगा। क्लियर है? आगे चलो, नेक्स्ट ऐप डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले आपको। उसके बाद आप जब आगे जाएंगे तो उस तरीके से गेट सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको। गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करेंगे तो ऐसी विंडो खुलेगी आपकी। इस विंडो के बाद आपको डालना है ये वाला कोड योगेंद्र। ये कोड डालते ही आपके ये जो प्राइजेस हैं कम हो जाएंगे, 10% का ऑफ हो जाएगा। देखिए इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है कि आपको कोड ना कर पाए। 300 रुपए पर मंथ, 500 रुपए पर मंथ बहुत ही कम होता है। फिर भी अगर आपको जो है ज्यादा लगता है या फिर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे जो है पर्सनली विंडो पर आके मुझसे बात भी कर सकते हैं। अपना नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, आप यहाँ से मुझसे बात भी कर सकते हैं। हेलो मयंक, निशु, चंद्रकांता, दिव्या, आशुतोष, सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो स्टार्ट है, आप कहीं जाना नहीं है भाई, है ना, आप यहाँ पे डटे रहना है आपको। और मेरी जो आपका जो विंडो है वो बगल में मेरे खुला हुआ है तो मैं यहाँ देखूंगा। है हीमोफोबिया किसके डर को कहा जाता है? हीमो, सबसे पहले तो अंधकार के डर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेक्टोफोबिया, NYCTO, नेक्टोफोबिया, ठीक है। जिन्हें अंधेरे से प्यार होता है उन्हें क्या कहेंगे? नेक्टोमेनिया, नेक्टोमेनिया, ठीक है। कुछ जानवर होते हैं जो रात में निकलते हैं उन्हें जो है नेक्टो जानवर कहेंगे। हाइट से जिन्हें डर लगता है उन्हें क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया। और जिन्हें ब्लड से डर लगता है उन्हें क्या कहेंगे? हीमोफोबिया। पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिया। जरा मुझे बताओ, जिसे मृत्यु से डर लगता है उसे क्या कहेंगे? जिसे मृत्यु का डर लगता है, मरने से डर लगता है उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल सभी ने आंसर यहाँ पे सही दिया है। सबसे पहले हेलो निशु, कैसे हैं? सबसे पहले मयंक ने दिया है, इसके बाद हाँ मयंक सही कह रहे हैं, 10% का ऑफ मिलेगा मयंक। अभी मयंक ने नहीं खरीदा होगा लेकिन चलो नमस्कार मीनाक्षी, अतुल, सभी को नमस्कार है भाई। पहला आंसर सही बन जाएगा। मैंने कहा मृत्यु के डर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टेनाटोफोबिया। किसी ने नहीं बताया अभी तक,
मृत्यु के डर को कहा जाता है टेनेटोफोबिया, डेथोफोबिया। एक बता रहे हैं विजय के सर, डेथोफोबिया होगा, डेथोफोबिया नहीं होगा दोस्त, ठीक है। चलो आगे चल, आगे चलूं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू तीन कटिया प्रथा। 90s के दौर में तीन कटिया प्रथा बहुत प्रसिद्ध थी। ये होता है क्या था, 3/20, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी की खेती 20 बीघा खेती है तो उसे अपनी 3 बीघा खेती पर नील की खेती करनी पड़ेगी। किसकी खेती करनी पड़ेगी, नील की खेती करनी पड़ेगी। और नील की खेती के कारण उसकी जो फसल होती थी या उसकी जो जमीन होती थी, जो बाकी की जमीन है, वो बर्बाद हो जाती थी। क्यों बर्बाद हो जाती थी, क्योंकि नील के कारण जो मिट्टी की उर्वरता है वो कम होती जाती थी। मिट्टी की उर्वरता जो है वो खत्म हो जाती थी। तो ऐसे केसेस में किसानों को फायदा भी बहुत कम होता था। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया यूरोप में, तो हुआ क्या, वहां पे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में आर्टिफिशियल नील आ गई, आर्टिफिशियल जो है वो इंडिगो हो गया। ऐसे में जो नेचुरल इंडिगो था उसकी डिमांड कम हो गई। तो अब जो है वो किसानों के लिए ये जो खेती है वो अनप्रॉफिटेबल रह गई। तो इसे हम कहते थे तीन कटिया। ये कब की बात है, ये 1914 से 1917 की बात है। लेकिन वहां पे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है एमजी गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं और इसके खिलाफ जो है छुटकारा दिलाते हैं। तो कब की बात है, 1917 में ये आंदोलन चलाया गया था जिसके कहा गया चंपारण का आंदोलन। पहला आंसर सही है। चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, बारदोली का सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बारदोली का जो सत्याग्रह है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टार्ट किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कब का क्वेश्चन है, CHSL का क्वेश्चन है, 2018 का। बिल्कुल सही है। और भैया लाइक जरूर कर दो यार, आप लोग इतनी कंजूसी करते हो, आने के बाद सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक से कोई पैसे नहीं मिलने वाले हमको, बल्कि अप्रिशिएशन लगता है कि चलो इतने सारे लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको, समझ गए ना। तो वीडियो की थोड़ी रेटिंग बढ़ जाती है, इतना ही है। बाकी आपकी इच्छा हो तो कर दो, अगर नहीं इच्छा हो, अगर आपको लग रहा है कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो डिसलाइक भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो आमतौर पर प्रकाश बल्बों में भरा जाता है, प्रकाश बल्बों में भरा जाता है। एक गैस यहाँ पे दिखा रहा है रेडॉन। रेडॉन अब तक की सबसे भारी गैस मानी जाती है। ये एक ऐसी गैस है जिससे भूकंप का पता लगाया जाता है। अभी भूकंप का पता लगाने वाली गैस क्यों है ये समझ लो। ये गैस काफी भारी है तो जमीन के अंदर जाके सेटल हो जाती है। जैसे ही भूकंप होता है तो ये गैस भूकंप के साथ साथ, मतलब वाइब्रेशन के साथ साथ ऊपर आ जाती है। और जब ये वाइब्रेशन के साथ में ऊपर आ जाती है तो एटमॉस्फेयर में रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में हम कहते हैं कि रेडॉन जो है वो भूकंप का पता लगाने वाली गैस है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है और इसके साथ साथ में हीलियम गैस भी है जिसका उपयोग हम जो है वो गुब्बारों में करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्सीजन का आपको पता ही है, एक ही गैस बचती है जो कि निष्क्रिय गैस है, मतलब इसे हम कहते हैं नोबेल गैस। तो नोबेल गैस किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करती है, इसीलिए इसे बल्ब में भरा जाता है। राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑर्गन। क्लियर है सभी का, बिल्कुल सभी ने आंसर सही दिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, किसका क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखो आरआरबी ग्रुप डी आपको एग्जाम छोटा लगता है, लेकिन भाई एग्जाम छोटा नहीं है, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, समझे। ये एग्जाम छोटा नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया आते हैं। जरा हम राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो पूछा गया है, लेकिन राज्यसभा कभी भी स्थगित नहीं होती है, कभी भी स्थगित नहीं होती है। ये परमानेंट हाउस है और इसे अपर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा के सदस्य का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है, राज्यसभा के सदस्य की मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यसभा सदस्य के जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, राइट आंसर क्या बनेगा, 6 साल। बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया। सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्य किस राज्य के हैं, जरा मुझे फटाक से बताओ। सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्य किस राज्य के हैं, कोई बताएगा मुझे, देखते हैं कौन बताता।
सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्य यूपी के हैं, कितने सदस्य हैं? कौन बताने वाला है भाई? यूपी के 31, 31 इज द राइट आंसर। ठीक है, 31 सदस्य हैं आप। आगे चले और बताओगे? चलो अच्छा, महाराष्ट्र आगे बताओ, कितने बुद्धिमान हो देखते हैं। महाराष्ट्र में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? महाराष्ट्र में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं तो बताओ फटाक से। महाराष्ट्र में है कुल 19 राज्यसभा सीटें। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है इन व्यक्ति को। देखो, ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने गीत लिखा है, यहां पे लिख रहा हूं, अमार, सॉरी, यस, अमार सुनार बांग्ला। ये बांग्लादेश देश का राष्ट्रगान है, ये इन्होंने ही लिखा है। अब मैं ऐसे बोल दूं कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तुरंत बता दोगे। राइट आंसर कौन सा होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनका साहित्य, जिसका नाम है गीतांजलि, इसके लिए दिया गया था। 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग कांड में त्याग दी। ये भी याद रखना है आपको कि भाई जलियांवाला बाग कांड में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जब जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, और ऐसे में लगभग लगभग कहा जाता है कि 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, और ये उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर रही है। आगे चलो, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका जो पहला मैच हुआ था, उसको किसने, जो जब पहली बार ये कराया गया था, तो वो किस देश ने कराया था? यहाँ पे मेजबान देश पूछा जा रहा है। टिकटॉक स्टार, हेलो टिकटॉक, बेटा नाम लिख दो अपना यार, टिकटॉक स्टार तो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ओके, टैगोर इज द राइट आंसर। यस, देखो पहला जो हुआ था ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। तो कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो कुल 13 टीमों ने भाग लिया था वर्ल्ड कप में, और इन 13 टीमों में जो दो लोग फाइनल जो हुआ था, वो दो टीमों के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? एक तो उरुग्वे और दूसरा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, देख लेना अर्जेंटीना की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं। ठीक है, अब जीता कौन था? उरुग्वे जीता था, और एक्चुअली में यही होस्ट भी था, इसी ने होस्ट किया था, आपको याद रखना है। और उरुग्वे ने इसको 4-2 से हराया था। ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये पिक्चर फाइनल की है। राइट आंसर पहला वाला, क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। मसाला दालचीनी कहाँ के मूल हैं? नेटिव कहाँ के हैं? इलिमिनेट कर लो, आंसर आ जाएगा, इलिमिनेट कर लो, आंसर आ जाएगा। हमें पता है कि मसालों के बगीचे किसे कहते हैं? मसालों का बगीचा भारत में किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। केरल समझ रहे हो? पेरियार की धरती, पद्मस्वामी मंदिर है यहाँ पे, इसे कहते हैं, यहाँ पे साइलेंट वैली है, और बताएं, इसको कहते हैं लैंड ऑफ गॉड, और बताएं, यहाँ पे नेयार नदी है ना, मोहिनी अट्टम और कथकली, बहुत सारी चीजें हैं। चलो, तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, मतलब जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं साउथ में होनी चाहिए। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो नहीं, साउथ की कंट्री है, दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका इज द राइट आंसर। यहाँ पे सही आंसर जो बनेगा वो श्रीलंका है। श्रीलंका में मसाले दालचीनी जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, और यही कारण था कि जब अंग्रेज आते थे तो दक्षिण के क्षेत्र में मसाले लेने जरूर जाते थे। आपको ये चीज याद होनी चाहिए, श्रीलंका इज द राइट आंसर। पद्मस्वामी टेम्पल इज द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, जैसा कि बता रहे हैं विजय कि ये विश्व का सबसे बड़ा
सॉरी सबसे अमीर टेम्पल है, और इसका सातवां गेट इसलिए नहीं खोला गया क्योंकि इस पे भविष्यवाणी लिखी हुई है कि जो भी इस गेट को खोलने की कोशिश करेगा वो भी मारा जाएगा और प्रलय आ सकता है। वहां पर भगवान विष्णु जो है वो सैया में सोए हुए हैं। किसकी सैया में? शेषनाग की सैया में। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? रेलवे एनटीपीसी 2016 का पेपर है, इसमें मैंने भी भाग लिया था, साइको से बाहर हो गया हूं मैं। साइको के बाद जो होता है मेडिकल, उससे बाहर हुआ हूं। चश्मा देख रहे हो? अगर आपको चश्मा लगाया तो रेलवे की तैयारी, रेलवे में एएसएम की तैयारी मत करो क्योंकि चश्मा एकदम परफेक्ट मांगते हैं। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की है। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी शब्द दिया है और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मैडम क्यूरी अकेली ऐसी शख्स हैं जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला है और किसी को नहीं मिला है। जोहान साल्क, लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंसुलिन की खोज की है। आगे चलो, लुई पाश्चर पाश्चराइजेशन की खोज की है। एक ही बचता आंसर, जॉनी सॉल्क, इन्होंने जो है पोलियो के टीके की खोज की थी। सही है, सी आंसर सही है। हेलो विशाल, न्यू स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं बेटा, वीडियो को लाइक कर दो यार, कितने कंजूस हो आप लोग, कंजूस मक्खी चूस, लाइक कर दो यार, पैसे नहीं लग रहे हैं आपके अकाउंट से, एक भी रुपए कट जाए तो मुझे कॉल कर लेना आप, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। कीड़े के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी, क्या है? कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। ये दोनों थोड़े से स्पेलिंग गड़बड़ हैं इसलिए इनको छोड़ दो, इन पे दिमाग मत लगाओ। दो ऑप्शन बचते हैं, दैट इज ऑर्निथोलॉजी, ये आंसर सही है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। जरा मुझे बताओ, दिल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हार्ट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए। इसी तरह किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको बताना है किडनी और हार्ट, हार्ट के अध्ययन को कहा जाता है, यार इतना भी नहीं पता है, कार्डियोलॉजी, ठीक है। और किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किडनी खराब हो गई है, किडनी में छेद हो गया है, किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है, आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है जाके मिलिए नेफ्रोलॉजिस्ट से। सो नेफ्रोलॉजी इज द राइट आंसर, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी और नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। चलो निशु पीछे चल रहे हो, जरा आगे आ जाओ तुम, है ना, लाइव नहीं चल रहे हो बेटा। एसएससी सीजन 9 मार्च 2020 का क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल है जो कि जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है? इम्यूनाइजेशन से, डिजिटाइजेशन से, हाईवे डेवलपमेंट या फिर क्लीनिनेस? क्लीनिनेस से तो मुझे पता है कि स्वच्छ भारत अभियान जुड़ा हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान, यस। नेफ्रोलॉजी बिल्कुल सही है, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अब देखो बेटे, अगर हम इंद्रधनुष की बात करें तो ये जुड़ा हुआ है इम्यूनाइजेशन से, टीकाकरण से। अब ये देखो कब स्टार्ट हुआ था, अब ये स्टार्ट हुआ था 25 दिसंबर 2014 में। अब आप कहोगे सर इतना पुराना पूछ लिया है, करंट अफेयर अगर कोई योजना है तो आप बहुत पुरानी भी पूछी जा सकती है, 6 महीने पुरानी पूछी जा सकती है, 1 साल पुरानी पूछी जा सकती है, 2 साल 3 साल पुरानी भी पूछी जा सकती है। तो भाई जितनी पुरानी पुरानी योजना है उनका नाम जरूर याद कर लेना, अदरवाइज आप जो है वो सफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बच्चा दिख रहा है आपको, ये इंद्रधनुष बना हुआ है और ये बढ़िया सा एकदम भोला भाला लड़का बैठा हुआ है और हाथ में सिरिंज लिए है, तो भाई टीकाकरण जरूर कराएं। अगर आप में कोई जो है वो बन चुका है पिता तो अपने बच्चे को जरूर ले जाएं, ठीक है। एज ऑफ जनवरी 2020 राज्यसभा में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तमिलनाडु की है, कर्नाटक की है, महाराष्ट्र की है, उत्तर प्रदेश की है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को एक बार अभी हम जस्ट डिस्कस कर चुके हैं, अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था, है ना, महाराष्ट्र का बताया था कि महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, कर्नाटक में कितनी है, 2025 तक एंड करना। बिल्कुल सही लिखा है सवर्णा यादव ने कि इसको 2025 तक एंड करना है। कर्नाटक की है कुल कितनी सीटें? 12 सीटें हैं। 12। तमिलनाडु की कितनी सीटें हैं? 18 सीटें हैं। क्या लिख रही है मीनाक्षी? यूपी 444 क्या है, यूपी 444 नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो 31 सीटें हैं यहाँ पे, राइट आंसर चौथा आंसर सही है।
सबसे पहले आंसर किसने दिया था? विजय ने दिया है यहाँ पे, उसके बाद सवर्णा ने दिया है, उसके बाद यास्मीन ने दिया है, बहुत बढ़िया। प्रीति वर्मा ने भी सही आंसर दिया है। राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? चौथा वाला, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में, यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे परीक्षा डैम भी है झांसी में। तीसरी चीज, झांसी यहीं पर है उत्तर प्रदेश में, झांसी की रानी भी यहीं पर है। हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले राज्य का दर्जा मिला है इनको, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, उत्तर प्रदेश की सीएम पता है आपको योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ पे एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सैटरडे और संडे लॉकडाउन लगाया गया है। आज मैं घर में बैठा हूँ, बाहर जाने का मन था, सोचा चलो पिज्जा खा लें, लेकिन नहीं जा सकते, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नवंबर 2019 को भारत का मुख्य न्यायाधीश किसे घोषित किया गया है? जो 18 नवंबर 2019 को जिसे घोषित किया गया है वो 47th जो है वो न्यायाधीश हैं। इसके पहले 46 थे हमारे रंजन गोगोई, 45 थे हमारे दीपक मिश्रा, अशोक भूषण काफी पहले के थे। अब क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो है शरद अरविंद बोबड़े। अभी हाल ही के दिनों में ये एक बड़ी सी गाड़ी चलाते हुए देखे गए हैं, है ना। इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन दिए हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद का डिसीजन इन्हीं के बेंच ने दिया है, आपको ये भी याद रखना है, बाबरी मस्जिद वाला, ठीक है। 47th इज द राइट आंसर, यस, बहुत बढ़िया। बच्चे एकदम टैलेंटेड हैं हमारे चैनल पे, चाहे कुछ भी कहो सही आंसर देते हैं। प्राची ने सही आंसर दिया है, नीशु ने दिया है, यास्मी ने दिया है, मीनाक्षी, विजय, प्रीति वर्मा, 55 लाइक की सही लिखा है, 55 लाख की बाइक थी, एकदम सही लिखा है यहाँ पे। कौन लिख रहा है ये? सवर्णा यादव लिख रही है, लेकिन बाइक लग बहुत बढ़िया रही थी, कुछ भी कहो यार, मेरे तो दिल में फंस गई। मुझे लग रहा है कि जब भी जो है बढ़िया सा मेरा पैकेज लगेगा, जब भी मेरे पास पैसे आ जाएंगे, फटाफट यही बाइक लूंगा मैं। आगे चलो, आप लोग खरीद ही नहीं रहे हो, चलो ओके। तो देखो एक शायरी यहाँ पे लिखी है, ये भगत सिंह की फेवरेट शायरी, भगत सिंह की फेवरेट गजल थी। गजल क्या है? यही पाओगे महसर में जवा मेरी बया मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ हिंदोचता मेरा, मैं हिंदी ठेठ हिंदी जात हिंदी नाम हिंदी है, यही मजहब है फिरका यही है और खानदा मेरा। ये जो गजल है ये बहुत ही फेमस व्यक्ति की है, जिनको 1915 में गदर षड्यंत्र में फांसी दे दी गई थी। अब आपको बताना है कि ये गजल किसकी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एसएससी ने इस बार पूछा है 2020 में, 9 मार्च 2020 का ये पेपर है। देखो अभी तक इन व्यक्ति का नाम बहुत ही कम जगह पर आया है, तो इसीलिए जितने भी एजुकेटर हैं इन्होंने इनको अच्छे से पढ़ाया नहीं है, या कहीं भी बहुत ही कम डिस्कशन में आता है इनका नाम। इनका नाम है करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 14 साल की उम्र में गदर पार्टी में इंटर कर लिया था। सोचिए आजकल 14 साल का बच्चा क्या कर रहा है, पबजी चला रहा है, टिकटॉक चला रहा है ना, थोड़े छोटे मोटे पिज्जा वीजा खा के खुश है, और ये व्यक्ति 14 साल की उम्र में क्रांतिकारी बन जाता है। 29 साल की उम्र में इस व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है। भले ही इन्होंने उम्र छोटी है, लेकिन उम्र बहुत बड़ी है, जीवन बहुत बड़ा है भाई इनका। तो करतार सिंह सराभा इज द राइट आंसर। एक और इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में बता देता हूं, इनकी जो एजुकेशन हुई है वो हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। सोचिए कितना बड़ा व्यक्ति था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, समझे, ये व्यक्ति काफी अच्छा लग रहा है। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा उनकी स्थिति स्थापित करने के लिए बलिदान का एक प्रकार नहीं है? आपको देखो होता क्या है कि पहले बहुत सारे यज्ञ कराए जाते थे, और इन यज्ञों में एक चीज बहुत कॉमन थी, वो थी बलि। किसी न किसी जानवर की बलि जरूर दी जाती थी, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जहां पे बलि नहीं दी जानी है। अब आपको ये बताना है, विजय कह रहे सब टिकटॉक बैन हो गया, तो कोई बात नहीं, अब टिकटॉक बैन हो गया तो बच्चे कुछ नया खोज लेंगे, फिर उससे बनाएंगे वीडियो, है ना, बनाना तो है ही उनको, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई करें, पूरा दिन टिकटॉक पे बिता सकते हैं लेकिन एक घंटे क्लास नहीं ले सकते,
अब बताओ मैं क्या करूं इन लोगों का। यज्ञ जो है वो बलि है, अश्वमेघ इसमें बलि दी जाती थी, राजसू बलि दी जाती थी, बाजपेय बलि दी जाती थी, मुंडले वेलन ये बलि नहीं दी जाती थी। एक्चुअली में ये दरबार का एक तरीके से एक दरबारी हुआ करता था जो काफी ज्यादा फेमस था अपने दान धर्म को लेकर। तो ये एक ऑफिसर था, किसका, राजा का ऑफिसर हुआ करता था, जो राजा चुनता था, जो दान और धर्म को लेकर काफी अच्छा माना जाता था, उसका नाम था मुंडे वेलन। ठीक है, राइट आंसर पहला वाला होगा, यस ए ही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छों के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? मगरमच्छों का तो छोड़ो, पहले ये बताओ इंसान के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? इंसान के दिल में 4 चैम्बर होते हैं। मछली के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं मछली के दिल में, लेकिन एक मछली ऐसी जिसके में 4 चैम्बर होते हैं, एंड दैट इज व्हेल। व्हेल मछली के दिल में 4 चैम्बर होते हैं, एक्सेप्शन है ये। इसी तरीके से जितने भी पक्षी हैं, सभी पक्षियों में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। मछली के दिल में शायद 2 चैम्बर होते हैं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, 2 या 3 में कंफ्यूजन हो रहा है, देख लेना एक बार, ठीक है। तो भाई मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं, राइट आंसर 4 है। एक और है कॉकरोच, कॉकरोच के दिल में 13 चैम्बर होते हैं। फिश में 2 होते हैं ना, यस फिश में 2 होते हैं, मुझे कंफ्यूजन था, फिश में 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर हर्ट होता फिश का, ठीक है। समझ गए, यस फिश में 2 चैम्बर होते, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भैया कॉकरोच के दिल में 13 चैम्बर होते हैं, बहुत बड़ा दिल वाला होता है कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में ये बात कही जाती है कि अगर इसका सर काट भी दो ना, तब भी दिमाग एक हफ्ते तक जिंदा रहता है, तो ये बहुत ही शक्तिशाली जीव है, एंड दैट इज कॉकरोच। और ये हमेशा आपको टॉर्चर करता रहेगा, रात में देखना आपको ची ची की आवाज आती है, वो कॉकरोच की होती है। नेक्स्ट वन घोघा, घोघा जो है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो जो स्नेल होता है वो घोघा होता है, उसी फाइलम से ऑक्टोपस भी होता है, हेलिक्स भी रहता है, ये सारे जीव जो है वो जिस फाइलम से बिलोंग करते हैं, दैट इज मोलास्का। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर सही दे दिया है, मोलास्का सेकंड नंबर का फाइलम है, पहले नंबर का कौन सा है? ऑर्थोपोडा, इसमें सबसे ज्यादा जीव पाए जाते हैं। दूसरे नंबर का क्या है? मोलास्का है। ठीक है, आगे चलें। ओके, भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 को एक पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उद्यमी को समर्थन देना, एक मजबूत स्टार्टअप और परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना था। अब आपको बताना है कि इन चारों में ऐसी कौन सी योजना है जहां लोगों को नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, मतलब उनको बिजनेसमैन बनाया जाएगा, बिजनेसमैन बना के उनका एक बड़ा सेटअप किया जाएगा ताकि वो नौकरी लेने की जगह नौकरी देने में बिलीव करें, लेकिन ऐसा भी हो नहीं पाया है क्योंकि देश में नौकरी बड़ी एक समस्या बन चुकी है, खासकर जब से लॉकडाउन हुआ है, अच्छे अच्छे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ऐसे केसेस में सरकार को गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा इंक्रीमेंट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सरकार को अब गवर्नमेंट जॉब ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि 2010 के अराउंड, 2011 के अराउंड भी बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा नौकरियां निकाली गई ताकि देश में जो है वो मंदी ना आए। राइट आंसर बनेगा स्टार्टअप इंडिया, पहला आंसर, तीसरा आंसर सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूं, बट फिर भी आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी करेक्ट जोड़ी बतानी है आपको, ठीक है ना, कि करेक्ट जोड़ी कौन सी है। अब आपको बताना है कि भाई इनमें से करेक्ट जोड़ी जो है वो कौन सी है जिसमें सही तरीके से वो किया गया है। ये बहुत बार मैंने बताया है
ये जो है ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है, ब्रह्मदेव जो होता है वो भूमि ब्राह्मणों को भेंट की जाती है, साल भाग साल भोग जो है वो मंदिरों को की जाती है, तो ये तो गलत है दोनों। पल्ली चंदन ये गलत है, जैन भी नहीं होता, वेलन वेगाई आंसर सही इसका होना चाहिए, जहां मेरे हिसाब से वेलन वेगाई होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि जो है ब्राह्मण पीजेट की बात नहीं होती थी वहां पे, किसान किसानों की बात होती थी, किसानों को देने की बात होती थी। यस ठीक है, चौथा सही आंसर है, वेलन वेगाई द राइट आंसर इसका बनना चाहिए। यस ये आपस में इंटरचेंज कर लो इनको, गलत है ये, क्लियर है? यस चार है शायद, चार ही है। आगे चलो, नेक्स्ट वन इज स्टैटिक राउंड। ये सब याद नहीं रहता, याद तो करना पड़ेगा निशु, सब कुछ याद नहीं रहता है, आपको कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीजीएल 2018 में भी पूछा गया, सीएचएसएल 2019 में भी पूछा गया, सीपीओ भी पूछा गया और सीजीएल में भी पूछा गया। ये चार तरीके की भूमि होती है, ब्रह्मदेव शालदेव वेलन वेगाई, तो इस तरीके की जो भूमि है वो पहले दान की जाती थी अलग अलग लोगों को, तो उनके नाम रख दिए गए थे, तो इसको जरूर याद कर लेना आप लोग, ठीक है? सब याद नहीं रहता, याद रहेगा। स्टैटिक राउंड स्टार्ट करें, स्टैटिक राउंड ओके चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजें मैं पूछ लेता हूं, सबसे पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? बताओ फटाफट, सबसे पहली हेल्थ मिनिस्टर बताना है और लेबर मिनिस्टर, ये सारे क्वेश्चन इसी साल पूछे गए। और तीसरा पूछा गया है शिक्षा एजुकेशन, बताओ फटाफट। पहले ये प्रथम है भाई, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर पूछ रहा है वो, डॉक्टर हर्षवर्धन बताने लग गए। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर, ये तीनों क्वेश्चन अभी मार्च में क्वेश्चन जो पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं, हेल्थ लेबर और एजुकेशन। बस राइट आंसर दिया है यहाँ पे मैस संगम ने, कोई मैस संगम इनका नाम तो नहीं बचा लेकिन इनकी काफी अच्छा है। पहला हेल्थ मिनिस्टर कौन था? अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। ये पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। लेबर मिनिस्टर कौन थे? जगजीवन राम, जगजीवन राम, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, याद रहेगा। चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज बता सकता है कोई? उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये बहुत ही कम बच्चे बता पाएंगे। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब पहले लश्कर नहीं हुए थे, मतलब जो अंतरिम सरकार बनी है उसमें उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये लाइक वाइक नहीं कर रहे हो यार, ठोको लाइक भाई, लाइक मार दो एक बार, पैसे नहीं कटेंगे आपके, अगर 54 कट जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? ओके, गुलजारी लाल नंदा बता रहा है कोई बच्चा, क्या सही है? गुलजारी लाल नंदा ही होगा। उप प्रधानमंत्री बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और वही जो थे वो गृह मंत्री भी थे, होम मिनिस्टर भी वही थे। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल जी इज द राइट आंसर। यस बहुत बढ़िया। कानून मंत्री बताओ जरा, कानून मंत्री सबसे पहले कौन थे? जो कानून मंत्री थे सबसे पहले उन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी बुक लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और वो पूछी भी जाती है, देखते कौन बच्चा उस बुक का नाम बताता है, क्योंकि ये बुक इन्हीं के द्वारा जो अलग अलग भाषण दिए गए हैं उनका संकलन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और ये महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे कानून मंत्री, इनका नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, यही सबसे पहले कानून मंत्री बनाए गए थे। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, जवाहरलाल नेहरू के धुर विरोधी थे
बी आर अंबेडकर, लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के कहने पर बी आर अंबेडकर को अपनी संविधान सभा में जगह दी थी। किसी ने अभी तक बुक का नाम नहीं बताया है, रिडल ऑफ हिंदू धर्म, ये तो एक कोई बुक है, लेकिन जो मेन बुक है वो मैं पूछ रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। कायक हाई हितियो शिवालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि एक पगोटा है जिसका नाम है कायक हते हुए, ये कहाँ पर स्थित है? देखो ये प्रसिद्ध क्यों है, एक बहुत बड़ा पत्थर, ये बहुत बड़ा पत्थर है और ये इस तरीके से टिका हुआ है, और यहाँ पर देखो खाली है, यहाँ पर देखो खाली है, तो इतनी छोटी सी जगह में एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो गिर नहीं रहा है और एक बड़ी पहाड़ी पे है। परी और पूछने वाली बात है कि इतना बड़ा पत्थर पहाड़ी पर पहुंचा कैसे, क्योंकि जब ऊपर पहाड़ी नहीं है तो फिर ये पहुंच कैसे गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये गिर क्यों नहीं रहा है, ये दोनों ही चीजें इसको यूनिक बनाती हैं। अब आपको ये बताना है कि ये कहां पर है, तो राइट आंसर है म्यांमार इज द राइट आंसर। काई हिते योए जो ये पगोडा है ये म्यांमार है, सबसे पहले आंसर दिया है निशु ने, आंसर दिया है यास्मीन ने, आंसर दिया है एके मौर्य ने, आंसर दिया है सभी ने, आंसर सही दिया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, एक नंबर। अब जरा मुझे ये बताइए कि म्यांमार के बारे में आप और क्या जानते हैं। म्यांमार की जो कैपिटल है दैट इज नाबीटो, यहाँ की करेंसी जो है वो बर्मीज कयात है। लगभग जो प्रेसिडेंट है वो है विन मिंत, आपसे पूछा जा सकता है तो आपको ये याद ही रखना है विन मिंत यहाँ के जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। 5 करोड़ जनसंख्या, बहुत छोटा सा देश है। और एक 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 पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है पटकाई बम, ये अलग करता है भारत को और बर्मा को। क्रिश्चियन बर्नार्ड प्रसिद्ध हैं, कहा है प्रसिद्ध है भाई, क्या कर लिया इन्होंने ऐसा। क्रिश्चियन बर्नार्ड जो हैं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं, क्या किया था इन्होंने क्रिश्चियन बर्नार्ड? दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, स्तनपाई का क्लोन किया था, स्तनपाई का एक ही क्लोन हो पाया है दैट इज डॉली, उसके बाद इसको क्लोनिंग पे बैन कर दिया गया क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के लिए नेचर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। फर्स्ट पब्लिकेशन टेबल ऑफ लॉगरिथम, ये भी नहीं है। डेवलपिंग द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी नहीं है। बताओ जरा भैया, लाइक कर दो यार सेशन को। हाँ भाई लाइक कर दो डियर, बिल्कुल सही है, डू लाइक द सेशन, तोड़ दो बटन, थम्स अप तोड़ दो उसका। यस, पहला आंसर सही है, कृष्ण बर्नार्ड ने दुनिया का पहला हार्ट जो हृदय प्रत्यारोपण किया था, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था, आपको ये याद रखना है, बहुत ही बढ़िया। जरा मुझे बताओगे कि जो हमारा हार्ट है उसमें लगभग लगभग उसका वेट कितना होता है? आज की क्लास में भी नहीं पूछा था, जब मैंने जो है अनअकैडमी की ऐप पे क्लास ली है उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, बच्चों ने सही आंसर दिया था। हमारे दिल का वजन लगभग कितना होता है? Yes. लॉक तो हमने कर दिया है, बिल्कुल सही है निशु, बहुत बढ़िया निशु, गुड। 4 चैम्बर का होता है, कोई कह रहा है 150 ग्राम नहीं होता है, 250 ग्राम होता है, 250 से लेके 300 ग्राम तक रहता है, ठीक है। यस, निशु ने सही आंसर दिया है, 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जिनका दिल बड़ा होता है वो बहुत अच्छे आदमी होते हैं, है ना, लड़कियों का दिल बड़ा होता है, लड़कों का दिल छोटा होता है, ऐसा ही है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि अगर आप चाइल्ड हैं या फिर आप जो है वो मैच्योर्ड हैं या फिर आप बूढ़े हो चुके हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका दिल कितना बड़ा है, समझ गए? हाँ, कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हाँ सर, वो बुक का नाम क्या आप बताइए ना, अनटचेबिलिटी से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट है? गोवा की बात कर रहा है ये, ओके। एक तो मैं जा चुका हूं, मरीना, ये कहां पे है? चेन्नई में है। कहां पर है ये? ये चेन्नई में है,
मरीना जो है वो बीच। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर स्नेक पार्क भी है चेन्नई में, कुंडल कुलम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर भी है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर भी है चेन्नई में, कडल, कडल कहाँ पे है, कर्नाटक में है, वर्कला और कोयलम इनमें एक आंसर हो सकता है, वर्कला कहाँ पे है, कोयलम लॉक कर दें, हाँ बच्चे कह रहे सर लॉक कर दो, अरुण कैसे लड़कों का दिल बड़ा होता है, अच्छा लग तो हमको भी लगता तो हमको भी ऐसा ही है, लेकिन क्या है फिर जो है लोग गुस्सा जाएंगे कि कहेंगे भाई आप बताओ लड़कियों को इज्जत नहीं दे रहे हैं, लड़का लड़कियों का दिल बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता, सबका बराबर होता है, ठीक है। पललम इज द राइट आंसर। वर्कला कहाँ पे ये बताओ, वर्कला है केरल में, ठीक है। और क्या है, अन्नामुदाई जो नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पे है, चेन्नई में। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक द आर्क ऑफ ट्रायंफ के समान है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई मुझे लग रहा है कि आईएएस में पूछा जाना चाहिए था यार, एसएससी के बच्चे हैं इतना डिटेल में थोड़ी पढ़ेंगे कि विश्व में क्या क्या बना हुआ है। ऐसे तो हमारे यहाँ भी जो है वो गढ़ी वाले बाबा का मंदिर बना हुआ है, तो क्या पूछ लिया जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह पे बनी हुई हैं, अब ये पूछा गया है इरेलेवेंट है, लेकिन फिर भी ये पिक्चर देख रहे हो आप, ये पिक्चर जो है वो फ्रांसीसी युद्ध स्मारक पे बनी हुई है। अब आपसे ये पूछा गया ये किसके समान है, ऐसा और क्या दिखता है आपको, ऐसा और कुछ दिखता है, चार मीनार हो नहीं सकता है, कहाँ पे, हैदराबाद में। मेमोरियल मेक्टोरियल कहाँ पे, कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल को जूट प्रोड्यूसर कहते हैं। वेस्ट बंगाल में हुगली नदी है। वेस्ट बंगाल में जो है वो दुर्गा पूजा बहुत होती है। हुगली हावड़ा ब्रिज भी है। आगे चलो, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों अलग अलग हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट कहाँ पे है, इंडिया गेट हमारा जो है वो दिल्ली में है। अभी किससे मैच करता है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बहुत सारे बच्चे जो है वो पूछ रहे हैं अम्बेडकर जी की बुक का नाम, मैं बता देता हूं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये है बुक का नाम जिन्होंने जो इनकी फेमस बुक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जिस दिन पढ़ लोगे उस दिन दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे आप, ठीक है ना। जो आप लोग ज्ञान बताते रहते हो ना फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, जैसे आरक्षण को लेके, या फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये बुक जरूर पढ़ लेना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बहुत ही बढ़िया बुक है। ये बहुत पुरानी बुक है तो आप ये नहीं कह सकते गलत है, क्योंकि पहले के लोग सही चीजें लिखते थे, बहुत ही अच्छी बुक है। और भाई अम्बेडकर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, कुछ ज्यादा लिमिट से ज्यादा। गेटवे ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, मुझे गेटवे ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, सॉरी इंडिया गेट इज द राइट आंसर, ठीक है, इंडिया गेट इसका सही उत्तर। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये देखो मालगुडी डेज है ना, मेरा बचपन जो है इन्हीं को देखते हुए गुजरा है। पहले DD1 पर एक कार्यक्रम आता था जिसका नाम था मालगुडी डेज, ठीक है, क्या नाम था इसका, मालगुडी डेज। और ये बहुत ही छोटी छोटी स्टोरीज हैं और इतनी प्यारी स्टोरीज हैं कि देखने के बाद बहुत मजा आता है इनको। तो अगर किसी के पास, अगर किसी ने नहीं देख रखा है तो ये मेरी रिकमेंडेशंस है कि मालगुडी डेज वो जरूर देखे, अमेजन प्राइम पे उसको मिल सकता है। ये स्वामी और फ्रेंड ये भी आर के नारायण की है, द गाइड आर के नारायण की है, द जंगल बुक आर के नारायण की नहीं है, ये है एक व्यक्ति की जिसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। चलो कुछ बुक की बात कर लेते हैं जो बुक इसी साल पूछी गई है। सबसे पहली बुक जो पूछी गई है वो है एरा ऑफ डार्कनेस, ब्रिटिश एम्पायर, एरा ऑफ डार्कनेस, ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, फटाफट आंसर दीजिए। इन्हीं की एक और बुक है वाई आई एम अ हिंदू, ये भी इन्हीं की बुक है, बताइए
एक और बुक पूछी गई है कर्म योद्धा, बताओ जरा इसे लॉन्च किसने किया था, यह पूछा गया। यस राइट आंसर है शशि थरूर, द एरा ऑफ डार्कनेस एंड व्हाई आई एम अ हिंदू, ये बुक है शशि थरूर की। कर्म योद्धा लॉन्च किसने किया था, मोदी जी के राइट हैंड अमित शाह ने। किस पे लिखी गई है, मोदी जी पर, ठीक है। मोदी जी के द्वारा अगर कोई बुक लिखी गई है तो जरा बताओ फटाफट, मोदी जी के द्वारा कोई बुक एक लिखी गई है, बहुत ही बढ़िया बुक है, बताइए जरा कौन सी बुक मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। कौन सी बुक जो है वो मोदी जी के द्वारा लिखी गई। यस व्हाई आई एम अ एथिस्ट बुक लिखी गई है भगत सिंह के द्वारा, बहुत बढ़िया। व्हाई आई एम अ एथिस्ट ये लिखी गई है भगत सिंह के द्वारा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, गांधी जी की बुक पूछी गई है एक्सपेरिमेंट, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, किसके द्वारा लिखी गई है, गांधी जी के द्वारा, ठीक है। एक और बुक लिख रहा हूं मैं, बताओ जरा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एग्जाम बरियर लिखी गई है मोदी जी के द्वारा, बहुत बढ़िया, नीशु ने दे दिया जवाब। एग्जाम वरियर लिखी गई है मोदी जी के द्वारा, एकदम सही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है, यार ये तो बता दो यार, बहुत फेमस बुक है, इसे तो एपिसोड बन गया था, डीडी वन पे कार्यक्रम आता था, जवाहरलाल नेहरू। चलो आगे चलो, एक बच्चे ने लिखा है उसका भी जवाब देते हैं। एक बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान, किसके द्वारा लिखी गई है, अ ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली बुक मैं लिख रहा हूं, जो बुक बहुत ज्यादा पूछी गई है वही मैं लिख रहा हूं। यस राइट आंसर है ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई, ठीक है। वे लोग जिन्ना बता रहे हैं यार, उसका नाम ट्रेन टू पाकिस्तान, तो जरूरी है कि पाकिस्तान में जिन्ना ही रहते हैं। कुमार संभव, किसके द्वारा लिखी गई है, कुमार संभव किसके द्वारा लिखी गई है, और अकबरनामा। एक साथ में इस साल के जितने क्वेश्चन बने ना सब बता देता हूं एक साथ। यस वी आर डिस्प्लेस्ड भी लिखी गई खुशवंत सिंह के द्वारा, वी आर डिस्प्लेस्ड ये भी लिखी गई है। यस कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया है, कालीदास। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल, क्लियर है। आप जरा मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछ लेता हूं, हाल ही के दिनों में सबसे सस्ता COVID-19 का जो किट है उसका नाम क्या है, ये भी हाल ही के दिन में स्टार्ट हुआ है। हाँ वी आर डिस्प्लेस जो है वो मलाला यूसुफजई की दया, मैंने सोचा आप बता रहे हो तो सही बता रहे होगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने नहीं सुना है, ठीक है। IIT दिल्ली ने जो है वो इसको बनाया है, IIT दिल्ली ने, हाँ करंट नहीं पढ़ रहे हैं, बस यही यही पढ़ के आपका काम चला रहे हैं। यस कोरोसोर, यस बिल्कुल सही है,
कोरोसोर, हिंदी में प्रॉपरली तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ इस तरीके से, कोरोसोर इज द राइट आंसर. कोरोसोर जो है वो आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया सबसे सस्ता कोविड 19 एंटीजन किट है. यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. ओके, एक और ले लेते हैं बात, एक और चीज और ले लेते हैं. अभी हाल ही के दिनों में एडीबी के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. ये और भी बहुत बार मैंने क्वेश्चन पूछा है, बट फिर भी बता दो. एक और इंपॉर्टेंट, किस देश ने उदबिलाव मारने का आदेश दिया है, क्योंकि एक फार्म में उदबिलाव कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए थे. बहुत सारे उदबिलाव जो थे वो कोविड 19 पॉजिटिव हो गए थे, तो उस देश ने सारे के सारे उदबिलाव मारने का आदेश दे दिया. लगभग 96,000 उदबिलावों को मारा जाएगा. ये किस देश की खबर है? ये किस देश की खबर है? किस देश ने ऐसा किया है कि अपने जानवरों को मारने, उदबिलाव एक तरीके का चूहे की तरह होता है, चूहे की तरह की प्रजाति होती है. यस, एडीबी के जो नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है अशोक लवासा. हाल ही के दिनों बनाए गए हैं ये चुनाव आयुक्त थे. और चलो, जिस देश की बात हो रही है, जो है स्पेन. स्पेन ने अपने यहां सारे के सारे जो उदबिलाव थे उनको मारने का आदेश जारी किया, क्योंकि भाई ये कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए. ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन. मुझे लगता है कि आपको भाई पसंद जरूर आया होगा, है ना? ओके, तो अब आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, और कमेंट में हमें जरूर बताएं. तो सब कुछ हो गया, मैंने आपको स्टेट भी करा दिया, प्रीवियस ईयर भी करा दिए, और करंट अफेयर भी करा दिया. ठीक है, और जो करंट अफेयर मैं यहाँ पे बताता हूँ वो जरूर लिख लिया करो यार, किसी डायरी में, किसी कॉपी में, कोई छोटी सी डायरी बना लो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सिलेक्टेड ही लिखता हूँ या सिलेक्टेड ही बताता हूँ, अदरवाइज मैं बताऊंगा ही नहीं. समझ गए? बिल्कुल. आज के लिए इतना ही. थैंक यू और बाय बाय, और बने रहिए और देखते रहिए करंट, देखते रहिए जो है वो ये सेशन किस चैनल पर, नॉलेज 365, अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी. अब मैं अन अकेडमी के ऐप पे आ चुका हूँ. इस कमेंट के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल दिया रखा है, आप जाइए और मेरे प्रोफाइल को फॉलो करिए. एक क्लास हो चुकी है, जरूर देख लेना, बहुत ही अमेजिंग क्लास थी. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैंने तीनों अलग अलग सेगमेंट में एक घंटे में पढ़ाया है, जरूर देखिएगा उसको. आज के लिए इतना ही. थैंक यू और बाय बाय, देखते रहिए और बने रहिए जो है नॉलेज 365 चैनल पर.